सतश्रीकाल दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड डॉक्टर्स पे। और आज हम आपको ऐसी विरासती हवेली पे लाए हैं, सिद्धू मूसेवाला जो हमारे सिंगर थे पंजाब के, उनके फैन ने उनको डेडिकेट करी है। और यहाँ पे पूरा इन्होंने पिंड का माहौल बना रखा है। देखने के लिए वीडियो में बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर देना। तो चलो यार, ये विरासती हवेली को एक्सप्लोर करने चलते। सतश्रीकाल जी, क्या हाल चाल जी? बढ़िया जी। सर पहले तो अपना नाम दस दो जी। मेरा नाम तलविंदर सिंह है जी। थैंक यू सो मच सर, तुसी अपना इतना कीमती टाइम सानू दिता। सर कदों शुरू किया तुसी? ये तकरीबन 2 महीने हो गए जी। 2 महीने, और किदा रिस्पांस आ रहा? रिस्पांस बहुत बढ़िया जी। पर यही क्यों सोचे है था विरासती पंजाबी स्टाइल ही रखना? ये साडा सर सीगा पिछले साल तो ही भी असी बनाउणा है। अच्छा, घर विरासती घर बनाउणा वा। अच्छा, इहदे विच असी आ समान सारा पुराना इकट्ठा कीता होया, जिवें चरखे वगैरा हो गया, बलटोहियां हो गया, गड़वा हो गया, ये सारा कुछ असी इकट्ठा करके रखिया। होर भी लिया रहे हां असी, जिवें पंजाली हो गई जां हल हो गए, जिवें बोलदां वाला हल हुंदा सीगा, पुरानी बोलदां वाली पंजाली हुंदी सीगी, ओह भी असी लैके आ रहे हां भी बच्चियां नूं दिखाउण लई। अज कल दी नौजवान पीढ़ी नूं तां इहदे बारे पता ही नहीं ना। तुसी मूसा भाई जी दे भी बड़े फाइन लगदे हो, तुसी बड़ी वधिया पेंटिंग उहनां दी बनवाई है। जी जिवें असीं बनाउणा तां सीगा इह विरासती घर बनाउणा सीगा, उदों बाद मूसे वाले वीर दा नाम उहदे माता पिता तों प्रभावित हो के आपां इह हवेली ना मूसे वाले वीर नूं समर्पित करती, उहदे नाम ते ही इहदा नाम रख। सिटिंग वास्ते अंदर भी अरेंजमेंट बड़ा वधिया कीता होया। हांजी, अंदर जिवें असीं इह बाले वगैरा पाए होए आ जी। हांजी, इस जिवें पुराने मकान हुंदे सीगे, सलवाड पा के बाले पाए होए आ। अच्छा जी, इहदे उप्पर मिट्टी आ, कच्चा ही है जी, इह सारा टोटली कच्चा ही घर बणिया होया। सीमेंट दा कि लिपाई दी मिट्टी नहीं, इह सारा सीमेंट दा, इहनूं लग्गिया नहीं जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये सारा कच्चा ही बनया होया, मिट्टी दा बनया होया जी, ये पूरा मिट्टी दा बनाया। हां जी, टोटली मिट्टी दा पहले बनदा सी। हां जी हां जी, जिवें पहला घर बनदे सीगे, बिल्कुल पेंडू लुक रहे ताकि उहदा दी है ना जिहड़ा आएगा उहनूं। अजकल दे नौजवानां नूं ते देखे नहीं होणा कि कितना ठंडे रहिंदे आ घर। ये जिवें आउंदे आ जी नौजवान, तुसीं सोचां देखो साडियां, असीं भी पुरानी लभ के लाईआं होईआं ने। जिवें हुण इत्थे बजुर्ग वगैरा आउंदे आ, उहनां तां बहुत वधिया लगदा जी, उह तां सानूं इह गल कह दिंदे आ वी सानूं यार अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि इदां दे घर हुंदे सीगे। सिर्फ 50 रुपए दे विच ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਲ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਣ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਵੇਲੀ ਕੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਟੂਰ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ। ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਤੋ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। और गर्मा गर्म इस माहौल के अंदर खाने का जो टेस्ट है ना, वो बढ़ जाता है यार। जब आप देख रहे हो ना पीछे कैसे मिट्टी का मकान बना है विरासती हवेली, और ये जो सारा बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल, गांव वाला स्टाइल। ये मूड़े देखो, ज़बरदस्त केन वाले मूड़े, और मज़ा आ रहा है इस पर बैठ के। और पहले ना इसको ट्राई करते हैं यार, क्या ज़बरदस्त भटूरे लग रहे हैं ये, और इसका टेस्ट हम आपको पहुँचाते हैं। गर्मा गर्म है, ओहो, ये देखो क्या फ्लफी था, और बिल्कुल हल्का, बहुत भारी नहीं लग रहा, ज़्यादा तेल नहीं है। इसका टेस्ट लेके देखते हैं यार, मैं इसकी एक बाइट ही लूँगा यार। ऑयल वाला मैं ज़्यादा आजकल खाता नहीं, थोड़ा सा ही ले लिया, थोड़ा घर का कटा प्याज, साथ में सैलेड है, गाजर वगैरह है, टेस्टी ऑर्गेनिक बिल्कुल। इसको देखते हैं, क्या बात है यार। तो भाई साहब बहुत लाइट और फ्लफी थे भटूरे, और बहुत ही टेस्टी छोले बने हुए हैं। और छोले यार कमाल के हैं, जरा देखो, बढ़िया क्वालिटी के, घर जैसे बने हुए ना ये, बिल्कुल खाना खा के ना गांव वाली फीलिंग आ रही है यार, और ये फीलिंग शहरों में तो मिलती नहीं। तो आपको भी ये वाली फीलिंग लेनी है तो आपको कहाँ आना है, हमने सारी लोकेशन आपको बता देते हैं। ये जी विरासती हवेली है जी। अब लुधियाना से मलेरकोटला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आलमगीर साहब गुरुद्वारा आता है, उसके मेन गेट पर, रोड पर, उसके बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट साइड पर आपको ये विरासती हवेली दिख जाएगी जगमगाती हुई। रात को तो बहुत लाइटिंग होती है, दिन में धूप में यार नज़ारेदार है। और अब आपको दिखाते हैं इनका मेन, जिसके लिए हम आए हैं यार, ये है जी देसी मक्की की रोटी और सरसों का साग। ये साग चेक करो यार, मक्खन, ये मक्खन यार, ये बस एक इसमें हमें ये लगा कि मक्खन, ये ना घर वाला वाइट वाला मक्खन नहीं देते, ये बेरका का मक्खन है। और ये ना सिर्फ 50 रुपये में ये थाली है यार, 50 रुपये में सैलड, साग और साथ में ये दो रोटियाँ मक्की की। और कितने ट्रेडिशनल स्टाइल से ये चूल्हे के ऊपर बन रही हैं वो हमने आपको दिखाया, और साथ में आपको ये मिलता है लस्सी का ग्लास, नासी की लस्सी है, क्या फ्लेवरफुल लस्सी है, मज़ेदार। और इसके भी 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये लस्सी पी के बोलते हैं ना, लस्सी चसम चसी, और ठंड पैगी यार। अब ये दिखाओ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो यार साग चेक करो यार, ज़बरदस्त फ्लेवर साग का, मक्खन डाल के, ओहो हो,
मजानी से रिड़का हुआ साग है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। रोटी के साथ चेक करता हूँ यार एक बाइट, इसका भी टेस्ट आप तक पहुँचाता हूँ। टेस्ट करके देखो जी, नज़ारेदार। ओहो ओहो, बहुत टेस्टी यार। साथ में मूली गांव की, मज़ा आ गया। तो भाई साहब, लस्सी के साथ में ये वीडियो करते हैं एंड। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब हमने क्या करना है, नशा न पियो न खाओ, रब रखा चाओ।